पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, कैसा शो था, क्या क्या हुआ आज की रॉ में, सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। क्या पिछली बार की तरह बोरिंग था या नहीं था ये भी आपको पता चल जाएगा। सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइंस कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि पहले से डब्ल्यूबी के द्वारा एडवर्टाइज था। तो यहाँ पे साले फ्लेयर और हमारी टॉप वीमेंस चैंपियन रिया रिपली गेस्ट थी, स्पेशल गेस्ट थी। तो यहाँ पे आते ही मतलब पहले तो साले फ्लेयर बोलती हैं कि मैं तुम्हारी टॉप वीमेंस चैंपियन को हेल्म भेज दूँगी मैं उसे। उसके बाद कहती तू मुझे हेल्म नहीं भेज पाएगी ये वो पता नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है भाई पता नहीं कहाँ की क्रॉस और आते ही कहती है मैंने लास्ट टाइम स्कोर आया, अब मैं तुझे भी हरा सकती हूँ, और वो थप्पड़ लगा देती हैं। जिसके बाद भाई इनके बीच में यहाँ पर मैच शुरू हो जाता है काउंट डाउन वाला। कब पिछले बार की तरह ही भाई, मतलब WWE क्या दिखाना चाह रही है यार। यहाँ पे साले फिर आज हार गई इस काउंट डाउन वाले मैच में। मतलब भाई WWE का मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या कर रही है रॉ में। तो इसमें आज साले फिर हार जाती है और नहीं बीट कर पाती हमारी निक्की क्रॉस को। जिसके बाद यहाँ पर अगला मैच आता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस हमारे जेवियर वुड्स का। और ये मैच में मतलब मेरे को खतरनाक सीन लगा। मैच तो ठीक ठाक था, जैसे लास्ट टाइम रैंडी ऑर्टन ने रैंडी ऑर्टन का आरक्यू लगा के रिडल ने एंड किया था मैच, आज रैंडी ऑर्टन ने लगा दिया रिडल का फिनिशर और हरा दिया जेवियर वुड्स को। और अगर उस समय तुम रिडल को देखते ना, वो तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बच्चों को टॉफी और बिस्किट नहीं दे देते वैसे ही खुश हो जाते हैं, वैसे ही रिडल भी ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया रैंडी ऑर्टन ने। जिसके बाद यहाँ पे हमारा अगला मैच आता है सीना बेलर वर्सेस रेजिनाल्ड के बीच में। मेरे को लगा था सीना बेलर जीत जाएंगी, लेकिन भाई साहब यहाँ रेजिनाल्ड बाजी मार गए। और कैसे बाजी मार गए मैं ये भी बताता हूँ आपको। तो ये रोल अप इनके सारे जीत गए, और वो कैसे जीते जानते हैं? यहाँ से गाइस मतलब एक आग का फौरा फट फूटता है। तो मेरे को लगता है गाइस ये एलेक्सा ब्लिस का कुछ है। और उसके बाद पीछे भी हमें देखने को मिलता है इनके बीच में सेगमेंट जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस को कुछ कह रही होती है, उनकी लिली को देखती है हमारी सीना बेलर। उसके बाद हमारा अगला मैच आता है TBRN मेस वर्सेस द लुचा उस पार्टी के बीच में मैच। मतलब इतना बोरिंग चीज़ें WWE में को दिखा रही है, इनका रिटर्न कराया क्यों कराया, मैं तो कह रहा हूँ क्यों कराया, मत कराओ। यहाँ पे TBR और मेस जीत गए फालतू सा। जिसके बाद यहाँ पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जितने यहाँ पे डोमिनेट दिखाने की कोशिश कर रही थी WWE इतने टाइम से, आज वो सब खत्म हो गया। सबसे पहले रिकोसी आते हैं, वो पिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हुम्बर्टो को आते हैं, वो भी हरा के चले जाते हैं और नाक भी फोड़ के चले जाते हैं सेम। इसी के बाद अगला यहाँ पे आता है एक और बेकार मैच, मैंडी रोज एंड डीना ब्रूक वर्सेस नेओमी एंड लाना के बीच में। क्या यार क्या करा रही WWE? तो इनका नंबर वन कंटेंडर बन चुके हैं वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैंडी रोज और डीना ब्रूक, फालतू चीज़ें दिखा रही WWE। के बाद एक ऐसा मैच जो कभी खत्म ही नहीं होगा जिंदगी में WWE कितने बार दिखाएगी भाई। अंदर बंदा मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका है यार, क्या कर रहे हो तुम बार बार सैंड्रिक अलेक्जेंडर और ये सेल्टन बेंजामिन का मैच दिखाते रहो, क्या भाई क्या चाहते हो? मतलब क्या क्यों देखें हम इस मैच को, 100 बार दिखा चुके हैं। आज भी यहाँ पर सैंड्रिक अलेक्जेंडर जीत गया, अब नाम भी नहीं बोला जा रहा है इतना पता नहीं। उसके बाद हमारा एक और बहुत बढ़िया मैच आता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो पहले तो हैं जिस स्टाइल डोमिनेट हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना जो ऐसा समझ रहे थे हमारे जैक्सन राइकर हमारे अलायस की दोस्ती को, लेकिन अलायस तो धोखेबाज निकला, एक मतलब एकदम दगाबाज निकला भाई। जैसे ही ओमस ने अंदर एंट्री ली निकल लिया, बस फिर बम बना यहाँ पे हमारे जैक्सन राइकर का, बस फिर क्या होना था, फिनोमिनल फोरम 1 2 3 टाइटल रिटेन। जिसके बाद मैं कहूँगा पूरी रॉ का एक फैंटास्टिक मैच हमें देखने को मिला। मैं कहूँगा इस मैच में बिल्कुल बुराई नहीं करूँगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैच था। इस मैच से मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है भाई, क्या रेसलिंग थी इस मैच में, रेसलिंग की तो क्या बात करें भाई। मतलब दबा के आप लोग इसमें बोल सकते हो भाई, मूव्स भी बहुत तगड़े आपको देखने को मिले। और एक तो वाला मूव जब गाइस रूमे कंटेनर ने घुमा के भाई फ्यूचर शॉक DDT लगाई भाई साहब, उसके बाद गाइस यहाँ पे पड़ जाती है कोफिंगस्टन अपनी ट्रबल इन पैराडाइज मारते हैं, लेकिन हमारे रूमे कंटेनर रोप ब्रेक पकड़ लेते हैं। सबको लगता है कि कोफिंगस्टन जीतने वाले हैं, लेकिन रूमे कंटेनर रोप ब्रेक पकड़ के बाद कोफिंगस्टन जाते हैं रोप में, मिडल रोप में, और मिडियर से पड़ जाती है भाई साहब क्लेमोर की। यार मतलब इतना तगड़ा वो मूव दिख रहा था भाई, क्लेमोर पड़ती है 1 2 3 और भाई साहब यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर जा रहे हैं हेल इन अ सेल में टू फेस बॉबी लेस्ली। मतलब भाई मैच में कहूँ पूरी रॉ में सबसे बढ़िया मैच यही था। पिछले बार की रॉ की तरह मेन इवेंट नहीं रखा था, बहुत बढ़िया मेन इवेंट था इस बार का। जिसके बाद यहाँ पे कोफी किंगस्टन रिस्पेक्ट दिखाते हैं, हाथ मिलाते हैं, ड्रू मैकइंटायर भी हाथ मिलाते हैं, लेकिन बॉबी लेस्ली यहाँ पे एंट्री लेते हैं और बस वही आ जा। मतलब क्या WWE करा रही है। लेकिन रॉ से आज मेरे को ज़्यादा शिकायत नहीं रहेंगी, क्योंकि रॉ में आज मेन इवेंट में अच्छा मैच मिला है, फैंटेस्टिक मैच मिला है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैच हमें देखने को मिला, उसमें रेसलिंग अच्छी देखने को मिली। तो ऐसे ही रेसलिंग अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करें, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।